इस वीडियो में हम लोग समझते हैं संसाधन के संरक्षण के बारे में, यानी कि संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को, चीजों को, अपनी जरूरियातों की चीजों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन का देखिए हमारे जीवन में बहुत ही एक अहम रोल है। इसका हम सुरक्षा यानी कि बचाव, इसका हम संरक्षण किस तरह से करेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि संसाधन का संरक्षण यानी कि इसे सेफ्टी रखना किस लिए हमारे जीवन काल में जरूरी है, पर्यावरण को यह प्रभावित न करे। देखिए पर्यावरण को प्रभावित वह किस तरह से कर रहा है, मनुष्य अपने अनाधुंध तरीके से अपनाने के कारण पर्यावरण संतुलन को कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोता खोता जा रहा है, यह पर्यावरण संतुलन में बिगड़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण में हमें शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, शुद्ध हमें जल भी नहीं मिल पा रही है और शुद्ध भोजन भी नहीं मिल पा रही है। देखिए आज की इस वीडियो में हम टोटल जानकारी लेंगे संसाधन के बचाव के लिए, संरक्षण के बारे में, यानी उसको सतर्कता पूर्वक माने जितना जरूरी है हिसाब से सावधानी पूर्वक किस तरह से हम उसको संरक्षित कर सकते हैं, यानी सुरक्षा दे सकते हैं, संसाधन को हम साफ सफाई किस तरह से अच्छे से रख सकते हैं। तो आइए देखिए डिटेल्स में समझते हैं। जैसे हम बात मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम जल के बारे में बात कर लेते हैं। जल जो हमें इतना शुद्ध चाहिए, लेकिन आज हमारा पर्यावरण जो है काफी प्रदूषित उसको करता जा रहा है, जिसमें संसाधन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी, पानी जो पृथ्वी ग्रह पर सबसे ज्यादा मात्रा में 71% है पानी की मात्रा, लेकिन शुद्ध हमें पानी नहीं मिल पा रही है। शुद्ध जो पानी है वह 2.5 से लेकर 3% ही इस धरती पर पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वायु की, यानी हवा, जिसका नाम समीर, पवन, वायु, हवा, अनिल इत्यादि नामों से जाना जाता है। हवा जो हमें शुद्ध नहीं मिल पा रही है क्योंकि जंगलों की कटाई कर दी जा रही है, पेड़ पौधों की ज्यादा मात्रा में इस जीवन काल में मनुष्य द्वारा कटाई की दी जा रही है, जैसे आर्थिक रूप से, व्यवसायिक रूप से पेड़ पौधों के अनाधुंध कटाई कर दी जा रही है, जिससे पर्यावरण संतुलन जो है और बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। शुद्ध हमें वायु नहीं मिल पा रही है, शुद्ध हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, पेड़ पौधे ही अगर सारे कट जाएंगे तो मनुष्य का जीवन का क्या होगा, अंत हो जाएगा। पेड़ पौधे यदि अगर सब खत्म हो जाएंगे इस पृथ्वी पर तो मानव समाज भी खत्म हो जाएगा, मनुष्य भी सब मरने लगेंगे तेजी से, क्योंकि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में चाहिए और पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए उन्हें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें अच्छे से चाहिए। तो इसकी मात्रा देखिए, इसके बारे में और समझते हैं कि पर्यावरण संतुलन को हम किस तरह से प्रभावित होने से बचा सकते हैं, अपने संसाधन को किस तरह से बचा सकते हैं, आइए इसे डिटेल्स में और समझते हैं। देखिए इसे हमने कई पॉइंट में डिवाइड किया है, बांटा है, एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए संसाधन संरक्षण, संसाधन का यानी उपाय यानी बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए हमने इसे कौन सा पॉइंट में लिखा है, संसाधनों का सतर्कता उपयोग करना। सतर्कता पूर्वक उपयोग करने का मतलब वह सावधानी से उपयोग करना, उसे सदुपयोग करना, हिसाब से सदुपयोग करना कोई भी संसाधन का, और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना। नवीकरणीय करने का मतलब हुआ कि नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जो संसाधन को हम फिर से पुनः चक्रण करके पुनः उसको उपयोग में हम ला सके, फिर से हम उसका यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो यह संसाधन संरक्षण का मेन पॉइंट हुआ, जिसे हम कहेंगे संसाधन संरक्षण यह कहलाता है। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए, संसाधन जो है आज तो हम प्रेजेंट टाइम में तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली अगली पीढ़ी, अगली जेनरेशन के लिए भी तो चाहिए संसाधन, तो उसके भविष्य के लिए यानी फ्यूचर टाइम के लिए भी हम इसे सही से उपयोग करके अच्छे से रख सकते हैं, ताकि उसे अगली पीढ़ी हमारी वह संसाधन का लाभ ले सके, उसे अच्छी तरह से संसाधन मिल सके सभी चीजों का। देखिए और उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, संरक्षण यानी सुरक्षा अच्छी तरह से सेफ्टी में हम रख सके, इसे ही कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब हुआ हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, आपस में मनुष्य, प्राणी जितने भी हैं, मनुष्य को सबसे चतुर बुद्धिमान, चलाक, चंचल ईश्वर इसीलिए बनाया है,
ताकि वह सबके साथ संतुलन बनाए रखे। आपस में पेड़ पौधे जीव जंतु पक्षी जितने भी हैं मनुष्य सबको चाहिए जीवन व्यतीत करने के लिए। जैसे जंगल है तो पेड़ पक्षी हैं, पौधे हैं पेड़ पौधे हैं, तो मनुष्य भी है। तो मनुष्य पेड़ पौधों के बिना नहीं रह सकता है, पक्षी पेड़ पौधों के बिना नहीं हो पाएगी, जंगल तो चाहिए, सारा चीज यह चाहिए जो कि संसाधन का यह मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपभोग कम कर पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, जैसे हमें बताया कि पुनः उसको रिफ्यूज करके रिड्यूस करके रीयूज हम कर सकते हैं, और तभी हम भविष्य के लिए हम सही उपयोग साबित ले सकते हैं। देखिए थर्ड जो है अंततः माने अंत में यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। सभी जीव मानव पेड़ पौधे पक्षी जानवर सभी जीव एक दूसरे से आपस में परस्पर माने एक दूसरे के रिलेशन में जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि आसमान में बसे भगवान और जमीन में बसे इंसान के बीच जब इतनी गहरी जो है वह मान सम्मान है, तो पक्षी से भी तो मनुष्य मेल रखता है, पक्षी से भी तो उसकी गहरी दोस्ती होती है। इसीलिए पेड़ पौधे सभी प्राणी को आपस में संतुलन बनाकर रखना होगा, और सबसे जो अहम है वह मनुष्य ही, मनुष्य को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य ही पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, लेकिन मनुष्य को ही यह जिंदगी जीवन बिताना है, सबके साथ संतुलन बनाकर रखना है। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, सतत पोषणीय विकास एक अन्य था भाग में देखते हैं। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूर्ति कर सके। यानी संसाधनों का हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि अभी के टाइम में तो हम अच्छे से कर सके और उसका संरक्षित करके उसे आने वाले अपने पीढ़ी के लिए भी हम अच्छे से उपयोग दे सकते हैं, इस तरह से हमें रखना चाहिए। देखिए और इसमें हम बात कर लेते हैं, हमारे पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों की पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे जीव जंतु प्राणी पक्षी मनुष्य सभी एक दूसरे साथ संबंध में हैं, एक परस्पर एक साथ जुड़े हुए हैं। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि कम से कम किया जाए, प्राकृतिक संसाधन जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, जिसे ईश्वर ने बनाया है, जैसे नदी हो गया, वायु जल मिट्टी पहाड़ पर्वत ये सारी चीज, आसमान आकाश पताल धरती, ये सब चीज जो ईश्वर ने बनाया है अपने हाथों से उसे कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। इसका भी हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, ख्याल करनी चाहिए, इसे हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका यही तात्पर्य है, कहना इसका मतलब यही है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुरक्षित की जाए, इसीलिए सभी जीव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और तभी जीवन संभव है। पेड़ पौधे पशु पक्षी प्राणी मनुष्य सबके लिए आपस में एक साथ जीवन जीने के लिए यह जरूरी है, आपस में संतुलन बनाकर रखना, और सबसे जो अहम है वह मनुष्य ही है। नेक्स्ट है देखिए, सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। ऐसा ऐसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद फिर भी उसे फिर से उपयोग में ला सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए यही इसका मतलब है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम से कम होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन जिसे ईश्वर ने संसाधन वैसा चीज दिया है उसको हम बर्बाद ना करें। हरास का मतलब हुआ बर्बाद, हरास का मतलब हुआ उसे हम सही से सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, जल का मिट्टी का और पेड़ पौधों का। लेकिन मानव अपनी निजी जिंदगी के लिए आर्थिक रूप से और बिजनेस के दृष्टिकोण से पेड़ पौधों की कटाई कर दे रहा है, जंगल को सफाया कर दे रहा है, जिससे कहते हैं कि जहां जंगल होती है वहीं पर ज्यादा बारिश होती है, और बारिश होगी नहीं तो फसल उगेगा नहीं, और फसल होगा नहीं तो मनुष्य खैरा बिना मर जाएगा, और पेड़ पौधे कटाई तेजी से होती रहेगी तो ना हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाएगी, और पेड़ ही नहीं बचेंगे तो मनुष्य का जीवन ऐसे ही बिखरता चला जाएगा। नेक्स्ट है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। मानव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, लेकिन मानव में एक गुणवत्ता क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि क्वालिटी नहीं दिख रही है, क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ इसका गुणवत्ता वो आपस में कर सके। समुदायों को पर्यावरण की देखभाल करके योग्य बनाना है, योग्य माने लायक बनाना। समुदाय हमारे चारों तरफ परिवार
समुदाय जितने भी लोग हैं आपस में मेंबर घर का सदस्य वे सभी समुदाय कहलाएंगे। पर्यावरण माने हमारे चारों तरफ जितने भी चीजें हैं उनको सही से देखभाल करके उन्हें उसी योग्य बनाना जिस योग्य उस लायक हैं। देखिए संसाधनों का भंडारण भी हम कर सकते हैं, संसाधन को अच्छी तरह से उसको हम भंडारण, रन का मतलब हुआ भंडारण उसको बोलते हैं, एक जगह संरक्षित करके उसे भविष्य के लिए कुछ अगले समय के लिए उसे उपयोग करने के लिए लाना, उसे भंडारण कहलाता है। भंडारण का मतलब एकत्रित करना एक जगह। यहाँ वर्तमान उपयोग से भविष्य तक संसाधनों की उपलब्ध मात्रा होनी चाहिए, यानी आज के समय में तो हम अच्छे से उपयोग इसका कर ही रहे हैं संसाधन का, और अगले हम विगत अगली पीढ़ी तक अपनी हम अलग जनरेशन के लिए भी हम सही से उसको भी उपयोग में ला सके, ताकि मेरी अगली पीढ़ी को भी संसाधन की कोई कमी ना हो, उसे हम इस तरह से संसाधन का भी हम लोग मनुष्य को सतर्कता पूर्वक माने हिसाब से सावधानी पूर्वक जितना चाहिए उतना ही आवश्यकता जरूरियात है उतना ही फालतू नहीं बर्बाद हम संसाधन को नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मनुष्य के जीवन यापन जो है वह संभव है और सभी पेड़ पौधे पशु प्राणी सभी से संतुलन बनाकर रखेगा तभी मनुष्य का जीवन जो है लंबी यात्रा तय कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि संसाधन का सही से उपयोग हम कैसे करें, यानी सुरक्षा उसका बचाव हम कैसे करें, और अपने अगले पीढ़ी के लिए भी कैसे योगदान हम दे सकें। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।